हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब बस हो गई है सुबह, हो गई थी, बहुत देर हो गई है सुबह हुए। और बस सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना था और बच्चे स्कूल नहीं गए हैं दोनों। तो बस कहते हैं मैंने अपनी पूजा से निपट के फ्री होके मंदिर से आके आज हम लोग ब्रेकफास्ट बाहर से ही लेकर आए थे, तो मतलब कि विदाउट ओनियन वाला। तो फिर बस कहते हैं बाहर से ब्रेकफास्ट किया और फिर उन्होंने पता है अपनी ब्रेकफास्ट में इतनी सारी सब्जियां वगैरह दे दी थी, तो उसी से ही दोपहर को काम चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे कहते हैं अभी कुछ भी बनाया भी नहीं है लंच में, और ये इधर पढ़ रहा है बैठ के। और इसको कोई काम बोल दो तो कभी कुछ करता नहीं है ये, बस इसका मुंह बन जाता है, तो इसलिए मुंह बना हुआ है इसका। और जीत तो उस कमरे में पढ़ रहा है। तो बस कहते हैं हस्बैंड चले गए हैं शॉप, तो बस अभी हम थोड़ी देर, मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद फिर काम करेंगे आगे के। और आपने देखा होगा देव उठान एकादशी मैंने किस तरीके से करी, कैसे करी पूजा, और बस बहुत अच्छे से हो गई और बहुत ही बढ़िया रही सारी पूजा, सब लोगों ने मिलकर करी साथ में। और बस कहते हैं सुबह मैंने पारण कर दिया था, पारण में वही मैं आटा और चावल और गुड़ मंसती हूँ, तो वह मैंने मंस दिया था खाली पेट। और बस कहते हैं यही था, कल की पूजा काफ़ी अच्छी रही। और गाइस बस बजे हैं 2 और हम लोगों ने लंच कर लिया है। लंच में कुछ नहीं, वही सारा बचा कुचा सब वही खाया था, कल की थोड़ी सी पकौड़ी बची थी, और कहते हैं सुबह के कहते हैं थोड़े से पराठे बचे थे और भटूरे बचे थे, तो बस वही खाया है। आप लोग भी कहेंगे कि कहते हैं क्या बचा कुचा, हाँ भाई हम फेंकते नहीं हैं खाना, हम बचा कुचा भी खा लेते हैं, तो बस हम लोगों ने वही खा लिया है। और लग रही है ठंड बहुत ज़्यादा, और ये खा रहा है यहाँ पे अमरूद। तो बस कहते हैं, और गाइज मेरे को यहाँ पे सामने एक हैं आंटी जी, तो मेरी नेबर हैं, तो उनके यहाँ कीर्तन है 3 बजे, तो उनके यहाँ कीर्तन में जाना है। और उसके बाद मुझे जो कल दिव्यांश और हस्बैंड गए थे शादी में, तो आज वहाँ पे है लेडीज़ संगीत, तो बस लेडीज़ संगीत में जाऊँगी मैं। तो सोच रही हूँ क्या पहन के जाऊँ, कुछ पता नहीं लग रहा। साड़ी में गाड़ी चला गाड़ी मतलब गाड़ी पर अगर साड़ी पहन के चलाओ तो फिर थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, तो देखो क्या पहन कर जाती हूँ। और आज मैं 100% कहते हैं मतलब कि कैच करूँगी सारे मोमेंट्स और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि हर बार मैं भूल जाती हूँ। तो चलिए अभी थोड़ी देर, बस 2 बजे, 1 घंटा है मेरे पास, तो बस पहले कीर्तन में जाएंगे, तो मैं आपको वहाँ का दिखाऊँगी। अब हर जगह फ़ोन लेकर मेरे को बैठना पड़ेगा। सो गाइस बच्चे चले गए हैं कोचिंग और बस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि सामने भी जाना है मुझे और यहाँ पर भी, तो बस कहते हैं मैं जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में तैयार होने के बाद। A few moments later. सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने साड़ी के ऊपर ये स्वेटर पहन लिया है और बस ये क्लेटर लगाया है बालों को खोल के, क्योंकि और कोई यार स्टाइल मेरे को आ नहीं रहा था, तो बस कहते हैं इसी वजह से बस यही कर लिया मैंने। और ये मैंने साड़ी पहनी है ग्रीन कलर की, तो ये बस रेडी हुई हूँ मैं सिंपल सी। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। One hour later. तो हम लोग आ गए हैं मम्मी के यहाँ और बस हम लोग जाएंगे साथ में सब लोग। तो गाइज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और अभी बस कहते हैं केवल प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हुई है और हम लोग आ गए हैं बहुत जल्दी। गाइज हम लोग इतनी जल्दी आ गए कि कोई भी नहीं आया है, देखिए। और ये भाभी बैठी से हेलो हाय। ये भाभी का बेटा है छोटा वाला। Thank you.
गाइज ये थी ब्राइड की एंट्री। तो बस यहाँ पे ये ब्राइड है और ये उसकी सिस्टर है इधर, और उस सिस्टर वाइट वाली, और ये उसके साइड में सिस्टर के उसकी मदर इन लॉ। बस लेडी संगीत जैसे ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे सब लोग कहते हैं डिनर कर रहे थे, तो बस मेरे से इतना ही शूट हो पाया। तो दिखा दो, मुझे कुछ खाना नहीं था, मुझे बस थोड़ा सा खाना था, तो आलू की टिक्की जो थी बस मैंने वो खा रही थी और स्वीट डिश खा रही थी, दैट्स इट। और बस मुझे कुछ खाना नहीं था। ये मम्मी बैठी हुई है, मेरी सास, और बस सभी लोग कहते हैं रिश्तेदार सब मिल रहे थे, सब आ रहे थे। ये अच्छा लेडी संगीत था, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत काफ़ी इन्जॉय करा। Two thousand years later. सो गाइज मैं आ गई हूँ घर, और बस कहते हैं फंक्शन अटेंड कर लिया, और मैंने फाइनली आज आपके साथ शेयर करा, और नेल पेंट भी आज चेंज कर लिया फाइनली, लेकिन ये भी ख़राब हो गया था। तो बस कहते हैं अब कल है मेरी बुआ के यहाँ फंक्शन, तो रोज डेली फंक्शन होंगे, अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके यहाँ कल अछूता है बुआ के यहाँ, तो बस कहते हैं, और हम लोगों में यार अछूता होता है, आप लोगों में होता है नहीं होता है आई डोंट नो, लेकिन दस्तोगियों में तो फ़िलहाल होता है। और उसके बाद रात को है रजगा, तो कल देखते हैं किस किस में जाते हैं। तो बस कहते हैं अब मैं आ गई हूँ, रात के 11 बजे हैं, और चलिए कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।